आपको देखनी होंगी, बस उसी पे हो जाएगा हमारे पास। थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि आपने क्या क्या पढ़ा था मेंसुरेशन में, तो उसी को देख लीजिए बस। हमारे पास क्या है मेंसुरेशन में, दो चीजें हैं। एक हमारे पास होता है 2D और एक हमारे पास होता है 3D, या अगर हम बात करें एक हमारे पास होता है फिगर्स और फिर हमारे पास होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2D की, इमेजेस की या फिगर्स की, ठीक है सर, तो हमारे पास आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल और आपने पढ़ा होगा सर्कल। ये हमारे पास, तो इनमें हमारे पास क्या होता है, इनमें दो चीजें ज्यादातर पूछता है। एक तो हमारे पास क्या होता है, जो बाउंड्री है किसी भी फिगर की, तो इसने जो ये रीजन कवर किया है इनसाइड द बाउंड्री, एक तो ये, तो रीजन कवर्ड बाय द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। तो एक तो आपसे पूछेगा एरिया कितना है किसी भी फिगर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ सर्कल। तो एक तो आपसे एरिया कहेगा, दूसरा आपसे कहेगा कि जो बाउंड्री की लेंथ है, जो भी फिगर आपके पास है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या है, तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो नॉर्मली दो ही चीजें हैं, एरिया ऑफ द फिगर एंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर इज जस्ट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया इज जस्ट द रीजन कवर्ड बाय द बाउंड्री। तो ये दो चीजें। अब जितने अच्छे से आपको ये फॉर्मूले इनके याद होंगे, उतने अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रायंगल में, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि सभी बच्चों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बेस आप किसी भी साइड को कह सकते हो, बस हाइट में ये है कि उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आना चाहिए। अगर ये वाली साइड को मैं बेस कहूं, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, तो यहां से परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो इसको हम बेस कह देंगे और इसको हम हाइट कह देंगे। अगर हमारे पास ट्राइंगल मान लीजिए ये है, ये हमारे पास ट्राइंगल है और मैं आपसे कहूं कि मैं बेस इसको मान रहा हूं इसको, तो फिर इस वाली साइड से जो परपेंडिकुलर आएगा उसको हाइट कहें, तो उस केस में ये बेस होगा और ये हाइट होगा। अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है, तो हाइट जो होता है बेसिकली वो 90 डिग्री को कहते हैं, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में ध्यान रखना अगर आप इसको बेस कह रहे हो तो फिर ये अपने आप ही हाइट हो जाएगी। तो एक साइड बेस होगा एक साइड हाइट होगी, ये हमारे पास होता है। अच्छा, राइट ट्राइंगल में एक चीज और होती है कि हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब जो मैंने अभी हाइट का एल्टीट्यूड, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्या हो ट्राइंगल में तीनों साइड दे दी जाए, एक साइड आपको ए दे दे, एक साइड आपको बी दे दे, एक साइड आपको सी दे, तीनों साइड, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ए में कह रहा हूँ इस लेंथ को, और बी में कह रहा हूँ इस लेंथ को, और सी में कह रहा हूँ इस लेंथ को। तो यहाँ पे एक टर्म आता है सेमी पेरीमीटर, जहां भी सेमी आएगा मतलब हाफ, एस, तो पेरीमीटर का हाफ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो हो क्या जाता है कि फिर हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो। तो अगर हमारे पास तीनों साइड होंगी तो हम इस वाले फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, और अगर बेस और हाइट होगा तो इस वाले से हम एरिया निकालेंगे। लेकिन समटाइम हमें क्या होता है, दोनों चीजें पे भी क्वेश्चन दे देता है। दोनों चीजों पे क्वेश्चन कैसे दे देता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास है ट्राइंगल, और आपसे सपोज करो अगर कह दे कि मैं ऐसे ही ले लूं कि भाई ये 12 है और ये 5 है और ये 13 है, आपसे क्या कहते कि जो 12 वाली साइड है इस पे परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा, ये कितना होगा, 12 वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ पूछ रहा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक तरफ तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल देते हैं, और एक तरफ एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल देते हैं, और दोनों को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड यहाँ पे हैं। तो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करना सीखिए, पहले एस निकालिए यानी कि पेरीमीटर का हाफ, तो 5 प्लस 13 18 प्लस 12 30 बाई 2 15। ये 15 भी अगर आप दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे तो और अच्छा है। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब बच्चे देख लो इधर, अंडर रूट एस, एस हमारा 15 आया है, एस माइनस ए, चलो 5 को माइनस कर देते हैं, तो मैं तो माइनस करके दिखा रहा हूँ, अब डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2, इस तरह से इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 12 है और हाइट का पता नहीं, हमने दोनों तरीके से एरिया निकाल के रख दिया, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें जो सिर्फ वेरिएबल है वो एच है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच आ जाएगा। अब जरा आप एक बार चेक कर लो कि हुआ क्या, हुआ ये कि ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और इस सब का है अंडर रूट। तो मैं अंडर रूट सॉल्व करने का आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि अंडर रूट प्रोडक्ट करके अंडर रूट मत निकालो, पेयरिंग करके निकालो। जैसे 15 का 5 इंटू 3 कर सकते हैं, 10 का 5 इंटू 2 कर सकते हैं, और 3 इंटू 2 पहले से है। तो जब आप अंडर रूट में क्या होता है, जो जोड़े बन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक एक को बाहर ले लेते हैं, तो 5 का हमारे पास पेयर बन गया, तो ये 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का भी पेयर बन गया तो 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 का भी पेयर बन गया तो 2 भी बाहर आ जाएगा, और इस साइड हमारे पास क्या है, इस साइड हमारे पास 2 था तो 2 से 6 हो गया, तो 6 इंटू एच। तो अगर आप 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी, तो हमारी हाइट कितनी आ गई भाई, 5। तो इस तरह से हम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन आप कभी कभी ध्यान रखना, कुछ चीजें और भी देख लिया करो। अगर हम ये चेक करें कि जो हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी एक साइड 13 है, एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड यहाँ 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, और बाकी जो छोटी साइड है 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो क्या छोटी वाली साइडों का सम और बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो दोनों इक्वल हैं? ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, तो इट इज ए राइट ट्राइंगल। तो कभी कभी इस तरह से भी चेक कर लिया करो, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो जो सबसे बड़ी अपोजिट साइड है उसके सामने 90 एंगल बनेगा, तो सबसे बड़ी अपोजिट साइड तो 13 है, तो अगर 13 हमारा हाइपोटेनस है तो फिर जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 है। अगर ये हमारा 90 है तो इसका मतलब ये 12 पे 5 परपेंडिकुलर है और 5 पे 12 परपेंडिकुलर है, तो अपने आप ही फिर हमारा ट्राइंगल, अगर आप सोचो तो ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब
कि भाई ये हमारी साइड 12 है, ये हमारी साइड 5 है और ये हमारी साइड 13 है, और आपसे कह रहा था ये हमारी साइड 13 है, आपसे कह रहा था 12 पे परपेंडिकुलर बताओ, तो हमारा परपेंडिकुलर 5 आ जाता। तो हम लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते थे अपने क्वेश्चन। तो एक तो ये हमारे पास ट्राइंगल का क्वेश्चन है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे वो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपसे, क्या कह रहा है कि इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और ये हर जगह मिल जाए, ट्राइंगल में, सर्किल में, क्वाड्रिलेटरल में, अभी हम 3D भी पढ़ेंगे उसमें भी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज्ड बाय 10% या 20% या बाय 50%, देन एरिया विल इंक्रीज। बाय व्हाट परसेंट? ये हमसे कह रहा है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज बाय 10% द एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, ये हमसे कह रहा है। तो अब आप जरा मुझे बताएंगे कि हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, खुद से सोचना होता है। खुद से क्या सोचना होता है, सबसे आसान ये होता है कि मैंने मान लिया अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं कभी भी, तो परसेंटेज 100 पे निकलता है बेटे सबसे अच्छा, ठीक है। कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरा बेस 10 है और हाइट भी 10 है, तो मेरा एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप 1/2 को भी अभी कुछ मत सोचो, आप इसको 100/2 ही रख लो, तो ये मेरा 100% हो गया। 1/2 को एक तरह से अलग रख लीजिए कि 1/2 से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1/2 × 100, तो मैं 100 पे काउंट कर रहा हूँ। 1/2 को आप x मान सकते हो, 100x, ठीक है। या आप चाहते तो 20-20 करके भी, या कुछ इस तरह के 100 आ जाए कैलकुलेशन, इजी के लिए कह रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है कि हमारी साइड जो है वो 10% इंक्रीज हो गई। कोई बच्चा बताएगा 10 का 10% क्या होता है? 1 1। अब आपकी दोनों साइड जो है 1 1 इंक्रीज होंगी, दोनों क्या तीनों इंक्रीज होंगी 1 1, तो आपके पास ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11। तो अब आपका एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया आपका आएगा 1/2 × 121। अब बताओ कितना परसेंट बढ़ा, पहला था 100, अब कितना हो गया? 121। तो फाइनल आंसर इज 21%, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है वो 21% है। तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, सबसे इजी रहता है। मतलब इसी तरह से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहीं पे कह दूं, आप सब बच्चों को रेक्टेंगल का पता है, जब हम क्वाड्रिलेटर करेंगे तो रेक्टेंगल आएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आप सब बच्चों को पता है कि एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, तो फिर इसका एरिया होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप सब बच्चों को पता है। अभी क्वाड्रिलेटर ही करेंगे, ट्राइंगल का तो इतना ही, बस इतनी डिटेल चाहिए ट्राइंगल की, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो भाई अगर ये वाली साइड लेंथ है तो ये भी एल ई होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो एल 2 टाइम आ रहा है, बी 2 टाइम आ रहा है, तो आप पेरीमीटर कह सकते हो 2L + 2B, 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो एल प्लस बी। फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटर में आपको वैसे समझ में ना आता हो तो बेस हमारा ट्राइंगल ही है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं इसको 2 ट्राइंगल बना दूं। अगर मैं 2 ट्राइंगल बना दूं तो ये परपेंडिकुलर होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, तो एक का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा एल है, ब्रेथ मेरा बी है, एक ट्राइंगल का एरिया, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जितनी लेंथ इधर है उतनी उधर है, जितनी ब्रेथ उधर है उतनी, साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री भी इक्वल है, तो रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 2 से मैं से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एल इंटू बी के इक्वल होगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है, तो फॉर्मूला वहीं से आ रहा है जो हमने ट्राइंगल सीखा है। तो खैर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन फिर आपसे करता है ज्यादातर जनरल, कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें बाय 20% और ब्रेथ को हम डिक्रीज कर दें 10%, तो एरिया में क्या चेंज आया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है। तो अगेन अगर आप इसको ऐसी तरह से सोच लो, जो आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे, ध्यान रखना मैं
इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरा लेंथ 10 है और ब्रेथ भी 10 है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 100 हो जाएगा। अब आप सब बच्चे कहोगे सर लेंथ भी सेम ब्रेथ भी सेम, ये तो एक रेक्टेंगल नहीं हुआ, स्क्वायर हो गया। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ऑल स्क्वायर ऑल्सो रेक्टेंगल। अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं सर ऐसे नहीं, तो आप जो चाहे समझ लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बस यहाँ 100 ले लोगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन करने से एकदम से आ जाता है, ठीक है सर। आपने मान ले लिया 20 और 10, तो हमारा एरिया हो गया 200। अब आपसे कह रहा है लेंथ को इंक्रीज कर दिया 20%, तो इसका 20% कोई बताएगा 20 का 20% कितना होता है? 40। अरे सॉरी 4। 4, तो आपकी जो लेंथ हो गई वो 24 हो गई अब, और ब्रेथ जो है आपका 10% कम हुआ था, तो 10% शायद 1 होता है, तो अगर 10% 1 होता है तो वो 9 हो गया। अब हमारा एरिया कितना हो गया भाई, 9 4 36 3 9 2 18 216, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 16 इंक्रीज हो गया। अगर आप इसे 100 पे लेते तो वही मेरा परसेंटेज था, लेकिन क्योंकि 200 पे लिया है तो निकालो, इंक्रीज हुआ है 16, कितने पे हुआ है 200 पे, हाउ मच इन 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं शायद, तो 2 से 8, तो 8% इंक्रीज हुआ है। तो ये मान लो, अगर हम बात अब क्वालिटी, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो जब क्वाड्रिलेटरल की बात आती है, तो जी बेटे मॉनिटर आ गया, ठीक तो है, बस वो मॉनिटर नहीं चल रहा, क्यों नहीं होंगे बेटे, देखिए वहां रखे होंगे। क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करें, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पहला तो रेक्टेंगल ही है, आपकी टेबल पे नहीं है क्या, अपनी टेबल पे चेक करिए बेटे। तो लेंथ और ब्रेथ, तो मैं यहां लिख देता हूँ एरिया, और यहां मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर, और यहां मैं कोई अगर रिलेशन आएगा, अभी देखेंगे क्या क्या रिलेशन आएगा। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, और रिलेशन क्या है, यहाँ डायगनल निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का डायगनल, ध्यान रखिए राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस होता है, तो डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B² हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ध्यान रखिएगा मैंने अभी कहा था स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो जो ऊपर फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लिख सकते हो, बट क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है तो a² आ जाएगा, और फोर साइड्स होती हैं तो पेरीमीटर 4a आ जाएगा, और डायगनल भी इसका वही हो जाएगा a² + a² यानी कि 2a². हमारे पास क्या है, हमारे पास एक होता है रोम्बस, रोम्बस में और स्क्वायर में एक ही फर्क है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये एंगल नहीं पता हमें कितना होता, तो अगर ये एंगल 90 हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाए। अब ध्यान रखना ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उल्टा नहीं कि रोम्बस सारे स्क्वायर होंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास क्या होता है, रोम्बस में अगर हमें एक डायगनल मिल जाए, ये वाला D1 डायगनल के, और ये डायगनल मिल जाए D2, तो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, ये हमारे पास है स्क्वायर और ये हमारे पास है रोम्बस। इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, यहां लिख भी देता हूं डायगनल्स बाइसेक्ट
एट 90, जो आपके पास ये होते हैं रोम्बस में डायमंड्स, तो इसका जो एरिया होता है बहुत सिंपल, वो होता है हाफ डी वन इंटू डी टू। अगर आपको साइड्स पता है तो आप निकाल सकते हो फोर इंटू साइड। ये बस हमारे पास एक होता है पैरेललोग्राम, और ये जो चारों हैं ये पैरेललोग्राम ही है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये सिंपल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो अगर आपको एक बेस दे दिया जाए, एक साइड दे दी जाए और उस पे अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अगर कुछ और हमने दिया होगा तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो बेस मालूम हो और हाइट मालूम हो। एक हमारे पास होता है सिंपल क्वाड्रिलेटर, चलिए ट्रेपेजियम, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। एक हमारे पास होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम होता है जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, दो का पता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हम क्या करते हैं कि हमने अगर ये एक डायगनल ले लिया, या डायगनल ना लेके ये हमें हाइट मिल जाए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें पैरेलल साइड इसको हम कह रहे हैं बेस वन, और इस वाले पैरेलल को हम कह रहे हैं बेस टू, और इसको हम कह रहे हैं हाइट। तो ये होता है हाफ बेस वन प्लस बेस टू इंटू हाइट, ये हमारे पास ट्रेपेजियम। और लास्ट हमारे पास होता है सिंपल क्वाड्रिलेटर, पता नहीं कहाँ से कैसे बना हुआ हो, बस उसमें अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारा एक डायगनल क्या है, ये हमारा हो गया D1, और उस पर ये हाइट आ जाए H1 और ये हाइट आ जाए H2, तो इसका एरिया होता है हाफ D1 H1 प्लस H2। या आप ये भी सोच सकते हो कि अलग अलग ऊपर वाले का ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो और उन्हें दोनों को प्लस कर दो, तो आप ये भी सोच सकते हो। तो ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जैसा मैंने अभी बताया। इसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कभी कभी कि भाई सपोज करो हमारे पास एक गार्डन है, रेक्टेंगल शेप में गार्डन है ये हमारे पास, और मैं कह दूं कि भाई इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसकी जो ये ब्रेथ है वो 10 मीटर है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपसे कह दे कि भाई इसके बीच में 2 मीटर का एक रास्ता जा रहा है ऐसे ऐसे, 2 मीटर का रास्ता, तो क्या दिया हुआ है, ये जो दिया है ये 2 मीटर दिया है, ये जो दिया है ये 2 मीटर दिया है। तो आपसे कह रहा है एरिया, रास्ते का एरिया बताइए। हमारे पास जो गार्डन है उसकी लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ 10 मीटर है, और उसके बीच में एक इस तरीके से हमारे पास ये पाथ बना हुआ है, और आपसे कह रहा है इस पाथ का टोटल एरिया बताओ। तो अब आपकी मर्जी आप किस तरह से करेंगे। हम अगर बात करें पहले लेंथ वाले रास्ते की बात कर लें, ये हमारे पास है, तो इस रास्ते में सीधा सीधा सा ये है कि लेंथ तो हो गई 20 और ब्रेथ हो गई 2, तो 20 2 जा 40। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ये ब्रेथ वाला जो रास्ता ले रहे हैं ये वाला, तो इसमें ऐसा ना हो कि ये वाला एरिया आप 2 बार काउंट कर लो क्योंकि एक बार आ चुका है। तो चॉइस आपकी, आप इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 10, ये वाला जो पार्ट था हमारे पास ये 10 था, तो अच्छा ये है कि इसमें से ये 2 आप निकाल दें तो बचा 8। अगर 8 बचा और ये 2 रह गया तो 8 2 जा 16, तो 40 प्लस 16 इज 56 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। जी सर। आ गया सर। इतना ही मुश्किल चीज है बेटे, बस ये है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है वो आपको रहे। अब देखो जरा इसी तरह के क्वेश्चन में, अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, सीधे एग्जाम से ही दिखाऊंगा,
कि अगर हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई ये हमारे पास है, हम इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, और फिर मैं आपसे कह दूं ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर है, ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमने एक मीटर का रास्ता, ठीक है, इक्वल विड्थ का छोड़ दिया चारों तरफ, एक मीटर, एक मीटर का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एक मीटर है, ये वाला जो पार्ट है ये एक मीटर है, रास्ते की चौड़ाई ये एक मीटर है, ये एक मीटर, तो बताओ अंदर का एरिया कितना बचा, ये एरिया पूछ रहा है, बताओ कौन बताएगा। हमारा रेक्टेंगल है 20 by 10, 20 10, अंदर चारों तरफ आपने एक मीटर का रास्ता छोड़ दिया, तो एरिया ऑफ गार्डन कितना बचा लेफ्ट? 144 meters square। कैसे निकाला सर? 10 में से 2 माइनस कर दिया, 20 में से 2। गुड, आपको बस यही देखना है जो हमारे पास अंदर है इनर एरिया है वो सीधा सीधा सा अब ये वाला रेक्टेंगल है, तो इसमें ज्यादा इतना कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमें ये देखना था कि भाई हमारी जो आउटर लेंथ थी वो 20 थी, तो 1 इधर से कम हुआ, 1 इधर से कम हुआ तो 18 रह गया। हमारा जो ब्रेथ था वो 10 था, तो 1 इधर से कम होगा, 1 इधर से कम हो तो 10 माइनस 2 8 रह जाएगा, तो 18 इंटू 8 हमारा सीधा सीधा सा एरिया आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट बचता है कि हमारे पास होता है सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है रेडियस। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर जो हमारा होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस जो हमारा होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो ये हमारे पास है। आपके पास एक होता है वही जैसे हमने पेरीमीटर कह रहे हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यहाँ लेंथ ऑफ बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और जो एरिया होता है सर वो होता है πr स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही है, जरा एक बार कोशिश करके बताओ मुझे कि अगर हम रेडियस को 20% इंक्रीज कर दें, रेडियस इंक्रीज बाय 20%, तो एरिया में चेंज क्या आएगा? बताओ कौन बच्चा बताएगा? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो, इससे ज्यादा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, तरीका मैंने आपको बता दिया है, सब बच्चों से हो जाना चाहिए। कोई बच्चा तो आंसर दे। 24% 24% गुड, और कोई बच्चा? 44% 44% और कोई बच्चा? जी बेटे, अभी आपको तरीका बताया ना बेटे, अगर आपकी मर्जी है, अगर आपने रेडियस बेटे 10 ले लिया तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 100 पाई। मुझे पाई से कोई मतलब नहीं, मुझे तो 100 से मतलब है। अब आपकी रेडियस हो गई बेटे इंक्रीज 20%, 10 का 20% कितना होगा कोई बताएगा? 2, तो हमारी रेडियस हो गई 12, तो अब हमारा नया एरिया होगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 पाई। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब आप बताओ कितना बड़ा सीधा सीधा सा? 44। बस इतना ही लिखना था बेटे, तो क्योंकि 100 पे काउंट कर रहे हो तो यही आंसर है, 44% आपका एरिया इंक्रीज हो गया। अच्छा आंसर दो जल्दी से, पेरीमीटर कितना इंक्रीज हुआ? रेडियस अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है? 4%। 4%, क्यों सर? 2r। टू को मतलब 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फिर वो 20 आएगा और ये 24 हो जाएगा। तो 4% इंक्रीज हो गया।
जी हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर आप ये कह रहे हो कि आर हमारा 10 है तो सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2πr, ठीक है सर, 2πr, हमारा न्यू वाला जो रेडियस है वो हो गया 12, तो हमारा सरकमफ्रेंस हो गया 2π12, सही है क्या ये बात? यस नो तो बोला करो, सीखने के लिए बैठने में डरने की बात थोड़ी, गलत आया तो भी कोई बात नहीं, गलत आया तो भी अच्छा आप बताओ, अब क्योंकि दोनों में 2π है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2π को आप कंसीडर करो ना करो कैंसिल होना है, टू पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका इंक्रीज कितना हुआ है? 2%। अरे परसेंट नहीं आया सर, अभी 2 इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ है? 10 पे। हाउ मच इन 100? 20 पे। क्योंकि ये बीते हम कैलकुलेट 100 पे नहीं कर पा रहे ना, वहां तो हमने 100 बना लिया था स्क्वायर करके, तो सर जहां जहां 100 नहीं होगा वहां वहां अपॉन 100 उस पे करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर आप 100 नहीं कर रहे या तो फिर आप सीधा सीधा सा आपको करना है तो फिर आप ऐसे करो कि नहीं मेरा रेडियस ही 100 है, रेडियस 100 है तो 2πr हो जाएगा, अब आपने कितना बढ़ाया था? 2% सर, 2%, तो अगर 2% करोगे ठीक है तो हमारी रेडियस कितनी बढ़ेगी? 20% बढ़ाया था, 20% बढ़ाया था ना, तो अगर हमारी रेडियस 20% बढ़ रही है तो 20% पे हमारी हो जाएगी 120, तो हमारा क्या आ गया 2π120, तो कितना बढ़ा? 20%। तो अगर आप 100 पे काउंट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, 100 पे नहीं काउंट कर पा रहे हो तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है सर, समझ में। क्योंकि हमने जो किया था, हमने यहाँ किया था, आपकी मर्जी, मैं क्या कहता हूँ, मैं 2π को हाफ को कंसिडर नहीं करता क्योंकि वो कैंसिल हो जाना है, यहाँ भी अगर आप चेक करोगे कि भाई हमारा जो है, अगर पाई में मैं ले लूं, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे पास है, चलो आपके हिसाब से कर दूं, ये हमारा हो गया 20π और ये हमारा हो गया 24π, तो इंक्रीज हुआ 4π, कितने पे हुआ? 20π, बेसिक वैल्यू है, इनटू 100, तो आप खुद चेक करो कि हमारा पाई से पाई अपने आप कैंसिल होगा और 2 वाला भी कैंसिल होगा, तो वही हमें करना था कि 2π10, 10 से 0 आएगा तो 20%, ये हमारे पास होता है। तो ये आपके पास 2D फिगर्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले 2D फिगर्स पे ही 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 3D पे लेंगे, सिलेंडर्स वगैरह पे, और देखते हैं एग्जाम का भी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। देखो जैसे क्वेश्चन दिया है सीधा सा, कुछ नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डरना वरना नहीं होना चाहिए कि भाई हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एसी ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी इज, तो डायगोनल दिया हुआ है बेटे, डायगोनल किस में दे रहा है आपको ये देखना है, स्क्वायर में दे रहा है, तो डायगोनल हो गया 5.2, आपसे कह रहा है एरिया बताओ, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कि भाई हमारे पास किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की, क्या दिया हुआ है डायगोनल, क्या चाहिए एरिया, अब आपको खुद सोचना है, जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसी पे बेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई मेरा डायगोनल होता क्या है, तो डायगोनल मेरा होता है, अगर आपने देखा हो वो होता है √2, हमने जो डायगोनल निकाला था स्क्वायर में ये हमारे पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 2a² है, तो अगर डायगोनल लोगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2a हो जाएगा, या स्क्वायर भी कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो डायगोनल स्क्वायर होता है 2a², तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है,
और एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर. तो बेसिकली मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए मेरा यहां से मिलेगा. तो अब यहां से देखो बहुत ही सिंपल सी लाइन, 5.2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा. यस और नो? हाँ भाई. यस सर. डायगोनल जो होता है, हमने अभी आपसे क्या कहा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बेसिक कर लिया कीजिए. बेसिक क्या कर लिया कीजिए भाई, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर है, तो ये मेरी साइड है, ये भी मेरी साइड है, ये मेरा डायगोनल है. तो क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा. डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो डायगोनल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा. और डायगोनल हमें दिया कितना है भाई, डायगोनल हमें कितना दिया है, 5.2 का स्क्वायर कर दीजिए. तो 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर. तो अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर. किसको कहते हो आप, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था. खत्म हो गया क्वेश्चन. अब कैलकुलेशन क्या होगी वो तो अलग जाने, बट इतना ही करना था. आया समझ में? नहीं आया? देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन. और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई ना, उतने पे ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा पे नहीं आएंगे. बात सिर्फ इतनी सी है. अब आप जितना चाहे इससे डरिए या कुछ करिए. आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ द हॉल इज 750 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द हॉल इज. अगेन आपसे किसकी बात कर रहा है, पहले तो ये देखिए कि मुझे कौन से वाले फिगर के फॉर्मूले यूज करने. तो मुझे बात करनी है रेक्टेंगल की. आपसे क्या कह रहा है, लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. तो इधर आप लिख सकते हैं लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. ये हमारे पास द एरिया ऑफ द होल, एरिया दिया हुआ है 750. द लेंथ ऑफ द होल, लेंथ बताओ. ये क्वेश्चन ठीक है जी. तो एक तो हम सॉल्व कर लेते हैं और एक हम चेक भी कर लेते हैं, दोनों चीजें भी हम कर सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास हम ये कह दें कि ब्रेथ तो हमारा ब्रेथ है लेकिन लेंथ हमारा 5 प्लस ब्रेथ है, तो एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ इनटू 5 प्लस ब्रेथ, और एरिया हमारा है 750. तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5b plus b square is equals to 750, या b square plus 5b minus 750 is equals to 0, like this. Equation बनेगी, सॉल्व करेंगे बाद में सोचेंगे. लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप खुद इधर सोचिए, हमें निकालना है लेंथ. तो लेंथ को अगर मैं मान लूं कि 15 मेरा लेंथ है, सब बच्चे जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं ये मान लूं कि 15 मेरा लेंथ है तो ब्रेथ कितना है भाई, 20. ब्रेथ ज्यादा है या लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा. तो ब्रेथ कितना कम होगा, 5 कम होगा या नहीं होगा, तो यानी कि ब्रेथ रह गया 10. तो एरिया कितना हो गया, लेकिन एरिया तो 750 होना चाहिए. तो ये क्या, ये मेरा आंसर सही है, गलत हो गया. अब अगर हम कह दें 22.5, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो 17.5. सर यही होगा 22.5. इतनी अच्छी बात मत किया करो. 5 से मल्टीप्लाई करूं क्या 25 आएगा बेटे लास्ट में? नहीं आएगा सर, सर ऑप्शन 4 है इसका. है बेटे, बहुत बात की कैलकुलेशन तो बहुत दूर है बेटे, कि 22 को 70 से. आप बस लास्ट वाली डिजिट देखो बेटे, इसमें भी डेसिमल 5 आ रहा है और इसमें भी डेसिमल 5 आ रहा है. मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट वाली डिजिट 5 आएगी, लेकिन मेरी लास्ट वाली डिजिट बेटे 750 में 0 है. तो क्या आएगा ये? नो सर. नहीं बताया करो ना, जल्दबाजी में बोल तो देते हो, अब जब मैं पूछता हूँ तो फिर चुप हो जाते हो. डरा मत करो, यूं को नहीं सर आएगा, नहीं आएगा क्या? नो सर. जिन्होंने कहा था यही आंसर है, वो बोलने के नहीं सर ये नहीं आएगा.
नहीं सर ये नहीं आएगा. थैंक यू. ये बेटे जब क्वेश्चन में डिस्कशन होता है ना तो ये आपको भी एग्जाम तक याद रहेगा. अरे ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं. अब इंशाल्लाह आप ये गलती नहीं करोगे कभी. तो बोलना इसीलिए फायदेमंद होता है बेटे. सब बच्चों से इसीलिए बोलना फायदे, क्योंकि अब आपको टोक दिया ना तो अब ये जो आपको टोका गया है ये उम्मीद ये रहेगी इंशाल्लाह कि आपको हमेशा याद रहेगा. चलो 25 है तो 25 का ब्रेथ 20 होगा. हाँ भाई लेंथ अगर 25 है तो ब्रेथ तो 5 कम है. तो 25 into 20 500 होता है, 750 नहीं होता. तो ये भी नहीं होगा. तो 30 का 25 होगा. 25 3 जा 75 होता है. यस और नो? यही आंसर है सर. आ गया समझ में? जी सर. तो ये पूरी शीट आपकी पड़ी हुई है. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस आपको मैं दे दूं अगर थोड़े बहुत एग्जाम्स के. 5-4 बच्चों के इंग्लिश की क्लास होगी इंशाल्लाह आपकी. मेरी दूसरी क्लास है बट आप इसको प्रैक्टिस कर लें. और प्रैक्टिस बाद में करना बेटे, पहले फॉर्मूले फिगर्स बनाओ. फॉर्मूला फिगर्स बनाओ. फॉर्मूला बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते. ठीक है, सब कर लेंगे. जी सर. कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी. ऑल द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम.